Good morning, all of you. Today we are going to take English subject for second class. Okay. And yesterday we are completed our first lesson. And first lesson name is क्या था अपना first lesson नाम Cinderella. Okay. And today we are start City at Night. Today we will learn our second lesson name of the City at Night. इसके पहले हमने हमारा first lesson जो है वह complete किया है, उसकी activities, उसके question answer जो भी उसमें checkout दिया गया था उसको हमने complete किया है, अपनी notebook में उसको लिखा भी है. Okay? Then today we will see second lesson and second lesson City at Night. और लेसन नेम इज सिटी एट नाइट. आज का हमारा लेसन का नाम है सिटी एट नाइट. अब यह लेसन न हो के यह है हमारी पोएम. अभी सेकंड जो हमें दिया गया है यह है पोएम, नॉट अ लेसन. सिटी एट नाइट यानी हमारे शहर की रात, यानी हमारे शहर की रात हमें देखना है कि कितनी सुहानी है हमारे शहर की नाइट. एट सिटी एट नाइट यानी सिटी में एक रात. तो यह हम देखने वाले हैं. उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो बेसिक है हमारा उस पर एक आउटलुक मार देते हैं, देख लेते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी हमें क्या देखना है अभी, रीड द पोएम विद करेक्ट इंटोनेशन एंड एक्सप्रेशन. हमें करेक्ट वर्ड के साथ में, एक्सप्रेशन के साथ में इस पोएम को देखना है. देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स. और इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं, उस राइमिंग वर्ड्स को भी हमें देख लेना है. आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस. इसमें नाउंस है तो उस नाउंस जो काउंटेबल है यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे नाउंस है जिस अनकाउंटेबल यानी जो हम काउंट नहीं कर सकते. एंड देन आइडेंटिफाई द शॉर्ट ए साउंड, यानी कि हमने इसके पहले देखा था कि ए का जो साउंड आता है मैन, और इस प्रकार से और भी जो साउंड है जो स्लो साउंड आते हैं और जो ए लंबे वाले साउंड आते हैं, तो ऐसे टू साउंड जो है तो वह देखा था हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड. तो एंड लर्न टू राइट अ पैराग्राफ, एंड हम देखेंगे पैराग्राफ. तो यह है हमारा चेक इन. अब चेक इन में हमें क्या करना है, इन दिस सीन फ्रॉम अ विलेज और सिटी व्हाई डू यू थिंक सो, यानी विलेज और सिटी के मामले में आप क्या सोचते हो, यानी कि इसमें डिफरेंस मतलब आपको अगर सिटी और विलेज अगर नाम हमें दो आपके जहन में आते हैं तो इसमें आपको क्या, आप क्या सोचते हो सिटी एंड विलेज के बारे में. तो जाहिर सी बात है कि सिटी एंड विलेज इसमें दोनों में डिफरेंस होगा. देन डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप. वन ग्रुप विल डिस्क्राइब अ विलेज एंड द अदर ग्रुप विल बी डिस्क्राइब अ सिटी. एक इसमें हमें डिस्क्राइब करना है विलेज में और एक को डिस्क्राइब करना है सिटी में. एंड देन द ग्रुप दैट शेयर द करेक्ट इंफॉर्मेशन विल विन. इस प्रकार से हमें टू ग्रुप में हमें इसका क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. अब देखेंगे हम रीड अ पोएम अबाउट अ सिटी एट नाइट. पेज नंबर है अपना 14. अब 14 पेज नंबर पे हमारी पोएम दी गई है सिटी एट नाइट यानी सिटी में हमारी रात. तो अब करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. व्हेन द नाइट बिगिंस टू फॉल एंड द स्काई बिगिंस टू ग्लो. व्हेन द नाइट बिगिंस टू फॉल एंड द स्काई बिगिंस टू ग्लो. You look up and see the tall city of light begin to grow. In rows and little golden squares, the light come out first here then there. Behind the window panes as though a million million bees had built their golden hives and honeycombs above you in the air. अब यह जो poem है इस पोएम को हम रिदम में ताल के साथ में जो है हाव भाव के साथ में रिदम के साथ में हमें इसे बोलना था, लेकिन इस पोएम का जो मेथड है वह है थोड़ा सा लेसन टाइप में. तो इसको थोड़ा हम एक बार लिरिकली देख लेते हैं, एक बार हम देखते हैं इसको रिदम में आती है क्या. व्हेन द नाइट बिगिंस टू फॉल एंड द स्काई बिगिंस टू ग्लो. यू लुक अप एंड सी द टॉल सिटी ऑफ लाइट बिगिन टू ग्रो. आ गया, ठीक है. इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स द लाइट कम आउट फर्स्ट हियर देन देयर. बिहाइंड द विंडो पेन्स एज दो एज मिलियन मिलियन बीज हैड
इसे अभी ऐसे ही देख लेते हैं। तो यह पोयम जो है हमारी एट नाइट्स की, तो ये पोयम जो है हमने अभी रीड की है, ठीक है। और रीड की है और विलेज और सिटी, यह दो ग्रुप हमें इसमें से बनाने हैं और डिस्क्राइब करना है विलेज एंड डिस्क्राइब करना है सिटी के मामले में। तो क्या करेंगे हम, आज सिर्फ हमने इस पोयम को रीड किया है। रीड करने के बाद में अब इसमें कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, कुछ मिनी सिनोनिम्स दिए गए हैं। तो सिनोनिम्स यानी देखिए कि ग्लो है, तो ग्लो मीन्स क्या, टू गिव आउट स्टडी लाइट, यानी जो हम स्टडी करते हैं सिर्फ हमारे उतनी ही जगह पर जिस इसका लाइट गिरता है वह है ग्लो। टू गिव आउट स्टडी लाइट, विंडो पेन अ सिंगल पीस ऑफ ग्लास इन अ फ्रेम इन अ विंडो, जो हमारे घर में विंडो होती है और विंडो को हम उसको खोलते हैं और जो बंद करते हैं तो उसमें जो ग्लास लगा हुआ होता है वो सिंगल ग्लास जो होता है उसे कहते हैं हम विंडो पेन। देन मिलियन एंड बिलियन, मिलियन एंड बिलियन, तो अब मिलियन एंड बिलियन का मैथमेटिकली हम अगर नहीं मतलब यूज करके हम अगर सिर्फ हमारे पोएम के इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए हियर यानी यहाँ पर अगर इसका मीनिंग हम देखें तो मिलियन एंड बिलियन यानी ह्यूज नंबर यानी बहुत बड़े नंबर, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमाइज नंबर जो होता है वो मिलियन एंड बिलियन दोनों का मीनिंग होता है कि अ ह्यूज नंबर, ह्यूज यानी बहुत बड़ा। और उसके बाद में है हाई, हाई द होम ऑफ बेस, जब हम हमारा जो घर होता है, घर जब हम बनाते हैं उसका उसका जो बेस होता है नीचे का वह बेस को हम कहते हैं एच आई वी हाई। एंड देन हनी कॉम एंड अरेंजमेंट विद मेनी होल्स इन विच बीज लाइव एंड मेक हनी, हनी कॉम यानी जो मधुमक्खियाँ होती है वह मधुमक्खियाँ कहाँ पर ऐसा जो बिल्डिंग का होल होता है वहाँ पर मधुमक्खियाँ जो है वो अपना वो बनाती है हनी कॉम बनाती है, तो वह है हनी कॉम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिनोनिम्स देखे, अब सिनोनिम्स और हमने इस पोएम को रीड किया है, इसके बाद में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम इसके सेकेंड पीरियड्स में देखेंगे, सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव रीड दिस पोएम एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।